तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिंग सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स के बारे में और इसके एडवांस सेटिंग्स में आपको दिखाने वाला हूं और इसमें जो दिक्कत आती है 301 की या 303 की दिक्कत को एडवांस सेटिंग से कैसे चेक करें कि ये जो दिक्कत है वो एडवांस सेटिंग से ही है या कोई और दिक्कत है। ठीक है जी, तो सुपर एफटीए जिंग सेट टॉप बॉक्स और डिश टीवी और D2H ये सब सेम ही है आज के लिए नॉर्थ में जो चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रिमोट हैगा ये भी डिश टीवी का ही रिमोट है। ठीक है जी, तो डिश टीवी के रिमोट से और ऑपरेट करने वाले हैं सुपर एफटीए जिंग सेट टॉप बॉक्स को, जो कि जिसे बोला जाता है डिजिटल सेट टॉप बॉक्स। हमारे पास जो मॉडल हैगा वो 3500 HD मॉडल हैगा जिंग का। ठीक है जी, तो इसकी एडवांस सेटिंग चेक करके मैं दिखाऊँगा आपको। जिन भाइयों के आधे चांस आते हैं आधे चांस नहीं आते हैं, कई बार उसको देखो आधे चांस आने के कारण एक आपका रीसेट करना पड़ सकता है आपके सेट टॉप बॉक्स को, और दूसरा होता है आपकी छतरी से दिक्कत होती है। आधे चांस आते हैं आधे चांस नहीं आते हैं, आधे चांस का मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पॉइंट वो चेक करने पड़ेंगे। ठीक है जी, देखो पहला पॉइंट आपको केबल चेक करनी है, जो कि लाइट वाली जो केबल आप देख रहे हैं जो अटैच हो रही है सेट टॉप बॉक्स में, ये जा रही है डिश तक, ठीक है जी, छतरी तक। तो ये केबल में कहीं ब्रेक कहीं ज्वाइंट वगैरह ना लगा हो, ज्वाइंट लगा या कनेक्टर खोल के देखेंगे तो जंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी, अगर जंग लग रहा है कहीं गल रहा है तार, तब आदि चैनल की शिकायत देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन हो गया ये आप चेक कर सकते हैं, और दूसरा हो गया आदि चैनल्स का मतलब कि आपका अडेप्टर भी ख़राब हो सकता है। अडेप्टर ख़राब होने पर काफ़ी देर में सेटअप बॉक्स ऑन होता है और काफ़ी देर बाद चैनल चलते हैं। ठीक है जी, तो 301 की प्रॉब्लम आपको अडेप्टर से भी देखने को मिलती है। वहीं आपकी तीसरा पॉइंट आपको चेक करना है LNV SKU की वीडियो मैंने कई सारी बना रखी है, तो LNV SKU डिश टीवी और अपना D2H ये सभी की सेम ही SKU हैं और सुपर एफटीए जिंक का। तो LNV SKU जरूर चेक कर लेना, आधे चांस आते हैं आधे चांस नहीं आते हैं उसमें। और चौथा हैगा हमारा जो कि डिश से ही प्रॉब्लम होती है, जो डिश टीवी से ही प्रॉब्लम होती है। और पाँचवा लास्ट हो गया हमारा सेट टॉप बॉक्स भी डेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चेक होती है, टेक्नीशियन एक मिनट में क्यों चेक करके बताता है, उनके पास होता है डिजिटल मीटर। ठीक है जी, और उसके बाद में जो मैं आपको डिजिटली बता रहा हूँ, जो कि एक होती है हमारे अपना ये हो गया टीवी से दिक्कत, जो कि सेट टॉप बॉक्स की सेटिंग से दिक्कत होती है। कई बार ये होता है कि सिग्नल कम आ रहा है और मतलब बारिश हो रही है और उस टाइम पे आप सेट टॉप बॉक्स को ऑफ ऑन करते हैं, तो उस कंडीशन में आधे चैनल रिसीव कर लेता है आधे नहीं आते, मतलब चैनल नंबर ही उड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी होता है। और अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है एडवांस सेटिंग से, तब भी 303-301 की दिक्कत आती है। तो जो दिक्कतें हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे ठीक करनी है। आपको मेन्यू बटन दबाना है, नीचे सेटिंग्स खुल जाती है, अब इनमें आपको माई जिंग पे आ जाना है। और ये जो वीडियो देख रहे हैं D2H और डिश टीवी वाले दोनों देख रहे हैं, दोनों लोग आप इसमें कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके पैसे बच जाएंगे, एक बार इसको चेक करा लेंगे तब। बाकी लास्ट ऑप्शन तो यही होता है कि आपको टेक्नीशियन तो बुलाना ही बुलाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद भी लोगों के बहुत ज़्यादा टीवी ठीक हो जाते हैं। पहला देखो क्या करना है, टूल्स पर आना है, यहाँ पर आप टूल्स देख रहे हैं। टूल्स पर आने के बाद में एक बार सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट कर देना है। ठीक है जी, और यहाँ पर जब आप फैक्ट्री रीसेट कर देंगे तो ये जो इससे करने से ये होता है कि आपका जो आधे चांस आने की समस्या अगर आपके सेट टॉप बॉक्स से है तो ठीक हो जाएगी, अगर आधे चांस की समस्या आपकी छतरी से है केबल से है तो दिक्कत वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है जी, लेकिन बहुत लोगों के ठीक हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रीसेट करने के बाद में चैनल स्कैन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर समझ आ गया कि आपको रीसेट कैसे करना है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके एडवांस सेटिंग्स को कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चैनल वेइंग हो रहा है, मतलब चैनल अपडेट हो गए। जिन भाइयों के आधे चांस उड़ जाते हैं आधे चांस नहीं आते हैं, चैनल नंबर ही गायब हो जाता है, तो रीसेट करने के बाद में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब देखो दूसरी तरीके से दिक्कत कैसे ठीक करें, तो यहाँ पर हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो ऑन हो चुका है, काफी ज्यादा साउंड आ रहा था, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे जो चैनल्स में जो दिक्कत होगी वो ठीक हो जाएगी। अब आते हैं हम एडवांस सेटिंग्स पे। तो एडवांस सेटिंग्स पे आपने यहाँ पर ग्रीन और रेड बटन दबाना है, सेम डिश टीवी का प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है क्योंकि बॉक्स ही उन्हीं का है। और यहाँ पर देख भी रहे हैं जिंग सुपर एफटीए में डिश टीवी आ रहा लिखा हुआ, और यहाँ पर जो सेट टॉप बॉक्स के बाहर है सुपर एफटीए जिंग है। ठीक है जी, D2H के नए जो डब्बे लग रहे हैं 2-3 साल से लग रहे हैं,
तो उनमें भी जो है डिश टीवी की ही फ्रिक्वेंसी चलती है नॉर्थ में। साउथ में तो ST2 चलता है, लेकिन नॉर्थ में ये डिश टीवी की चलती है। यहाँ पर अब आपने मेन्यू का बटन दबा करके रखना है, या ऐसे ही मेन्यू का बटन दबा करके रखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है एडवांस सेटिंग खुल जाएगी। अगर ऐसे नहीं खुलती है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे एडवांस सेटिंग्स ओपन करनी है। देखो यहाँ पर आपका जो रिमोट है ओरिजिनल होना चाहिए, कई बार कमांड नहीं लेता है लोकल रिमोट। तो अगर आपके नियर बाय में कोई भी डिश टीवी यूज़ कर रहा है तो उसके घर से आप रिमोट ला करके मेन्यू बटन दबाएंगे तो आपकी जो एडवांस सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस कंडीशन में अभी तो ये सेटिंग्स देख रहे हैं, ये ओके सेटिंग्स हैं क्योंकि इस पर अभी ये वर्क कर रहा था। अभी मैं आपको IF कर देता हूँ। ये IF एस मतलब ऐसी एसेट क्यों होता है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं जैसे होटल वगैरह में 250 कनेक्शन चल रहे हैं या हॉस्पिटल वगैरह में 250 कनेक्शन चल रहे हैं, ऐसी जगह 250 कनेक्शन चल रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ सेट करनी होगी। सिर्फ राइट का बटन दबाना होगा और ये चीज़ देखनी होगी ऐसी एसेट IF होना चाहिए, तब ये होटल वगैरह में काम करता है, लेकिन घरों में ये चीज़ काम नहीं करती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर राइट कर देते हैं। ये आ जाता है D2H, ये नॉर्थ के लोगों के लिए होता है। ठीक है जी, ST2 नॉर्थ के लोगों के लिए होता है जो साउथ में रहते हैं, नहीं नॉर्थ के नहीं सॉरी साउथ के लोगों के लिए होता है। तो साउथ में ST2 वर्क करता है, नॉर्थ में नहीं करता, साउथ में करता है। ठीक है जी, पुराने D2H के बॉक्स हैं उनमें तो यही वाला कर रहा है क्योंकि उनमें ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, लेकिन नए वाले में सभी में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ST2 भी IF मोड है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं फिर दोबारा से, ये हो गया हमारा डिश टीवी। एक बार मैं इसको सेव करके दिखा देता हूँ किसी अदर पे, जैसे मैंने IF पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ये ग्रीन होता है नहीं होता है, यहाँ पे चैनल्स हैं और यहाँ पर सेव हो रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पर थोड़ी देर में सेव हो जाएगा और चैनल्स वगैरह जो है नॉट फाउंड आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 303 का एरर आ रहा है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें करते हैं टीवी कि 303 आ रहा है, 301 आ रहा है, इसको कैसे ठीक करें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे में कस्टमर के पैसे लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को ये एडवांस सेटिंग चेक कर लेनी है। अगर यहाँ से चेक कर लेंगे आप तो आपकी जो ऊपर से जो प्रॉब्लम है मतलब जो डिश से प्रॉब्लम है वो फिर अलग रह जाएगी। यहाँ पर अगर हम ओके करेंगे दोबारा से तब भी ये जो है टीवी नहीं चलने वाला है। अब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, ये होम का ही बटन दबाएंगे बॉक्स के सामने, होम या मेन्यू जो भी बोल दो आप, यहाँ पर हम दबा करके रखेंगे और एडवांस सेटिंग्स हो जाएगी ओपन। 10 से 15 सेकंड में ये जो सेटिंग है ओपन हो जाती है, कई बार जल्दी भी हो जाती है। ठीक है जी, अभी ओपन होगी। मैं यहाँ पर ST8 पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और नीचे सेव एंड स्कैन पे ला करके ओके कर देता हूँ। और ये चीज़ मैं अगर आपको बता दूँ, ये चीज़ जो है ये सेट टॉप बॉक्स के मॉडल के हिसाब से उठाता है और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो वो आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं सिग्नल जैसे ही इसको मिल जाता है बॉक्स को तो ग्रीन हो जाता है। और यहाँ पर आपको पैड चैनल्स जो है फ्री चैनल देखेंगे, लेकिन रेडियो चैनल्स अब आ रहे हैं इसमें बंद हो गए हैं। तो कई बार कई बॉक्सों में आते हैं रेडियो चैनल, कई में नहीं आते हैं, तो वो तो रेडियो का तो ज़माना ही चला गया, इसलिए रेडियो का इन्होंने ध्यान ही देना बंद कर दिया। यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब जो है इनका जो सेट टॉप बॉक्स है वो चल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने सेटिंग्स वगैरह चेक कर लेनी है, सेट टॉप बॉक्स की कैसे क्या दिक्कत आती है और कैसे आपको एडवांस सेटिंग चेक करनी है, 303 का प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है। डिश टीवी हो, DTH हो, सेम ही इनमें जो है सेम ही फीचर्स है, तो उस तरीके से आप अपना ठीक कर सकते हैं। अगर आपका टीवी चल गया हो, ठीक हो गया हो, वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेटवर्क पर, तब तक के लिए थैंक यू।